जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इधर जो पटिया लग रहा है, अभी पटिया इधर का जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इधर का अभी घाट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देख सकते हैं इधर अभी पटिया लगना बाकी है, नीचे सतहों पे, फ्लोर पे अभी यहाँ पटिया तो रखा गया है, लेकिन अभी बस इसका काम चल रहा है। और जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये ललिता घाट है, और ललिता घाट के जस्ट बगल में पूरी घाट ललिता घाट ही है, और नीचे साइड में पूरा आपका पत्थर जो रखा गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। आइए चलते हैं, अब आपको जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं, और जैसा भी होगा आप वहाँ पर हमें बतलाइएगा। भाई पहले की तुलना में बहुत काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव घाट बन चुका है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये रेलिंग लगाई गई है कि भाई नहाते हुए लोग कभी पानी में ना गिर जाएं, तो ये सब सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं अभी भी काम कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी मशीनें, चार पांच कई मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, जो नीचे के काम को कर रही हैं, जो नीचे की सीढ़ियाँ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए लगी हुई हैं। और यहाँ पे भाई बंधु जो है कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप पटिया रखा गया है, और भाई जो है कि पटिया उठा उठा कर जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ की सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, तो श्रद्धालु भी हैं और भाई वर्कर्स भी यहाँ अपना काम कर रहे हैं। अब चलेंगे हम ऊपर की तरफ, और देख सकते हैं आप कि इधर वाल्स को भी बनाया जा रहा है ऊपर साइड में। आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं भैया किस प्रकार से पत्थर की कढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कहना है काम बहुत ईजी तरीके से हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है भाई। इधर साइड में भी देख सकते हैं आप कि ये मणिकर्णिका घाट में जो ये सीवेज टंकी है पिंक कलर की, इस सीवेज टंकी को तोड़ करके इसे यहाँ पे अंडरग्राउंड किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं इस काम को कंप्लीट कराने में, और यहाँ से इसको घेराबंदी कर दिया गया है कि लोग जिस तरफ कार्यरत है उधर लोग ना जाएं, क्योंकि वहाँ खतरा है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं, और इनके ठीक सामने का कुछ व्यू इस प्रकार से है। अब यहाँ का व्यू देख सकते हैं, और जो श्रद्धालु आए हुए हैं महाशिवरात्रि के बाद जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भी आप भीड़ देख सकते हैं। तो लगातार लोग जो है कि महादेव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और लोगों का आवागमन पहले की तुलना में बढ़ गया है, और ये बहुत खुशी वाली बात है कि जब बनारस में लोग क्या होगा कि जब अधिक आएंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बहुत खुशी वाली बात है। आप लोग जो है कि ऊपर नीचे सीढ़ियों के द्वारा, इलेक्ट्रिक सीढ़ी द्वारा आ जा रहे हैं, जो कि एक ये भी बहुत ही खुशी की बात है।
ये बारकोड है महादेव का, यहाँ देख सकते हैं आप महादेव का बारकोड है और इस पर आप कुछ पैसा चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। थैंक्स। चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं और यहाँ भी अभी लाइटिंग की काम चल रही है। यहाँ पे भाई बंधु जो वर्कर्स हैं वो लाइटिंग की काम कर रहे हैं। बना देता हूँ। कहाँ से हैं आप लोग? तो ये वीडियो ही आप लोग का बना दे रहा हूँ, ठीक है। घूम ले आप लोग मंदिर, कैसा लगा? मस्त लगा, मजा आया। भाई लोग जो कि बक्सर से आए हैं और महादेव का मंदिर देखने के लिए, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मंदिर बना हुआ है। ये भाई विवेक है। विवेक भाई कैसा लगा तुमको? मजा आ गया। और भाई तुम्हारा? पहले से बहुत अच्छा है और अच्छा बन भी रहा है। पहले से अच्छा नहीं है, अच्छा बन ही रहा है। अभी हम लोग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आ गए हैं। कहाँ? अरे बाप रे, यहाँ से देख सकते हैं आप इस मंदिर में जो गर्भगृह में जाने का द्वार है, यह जो है कि ओपन हो चुका है और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ पे अपना सामान जमा कर सकते हैं आप, जो कि लाकर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर लाकर के लिए आपको पैसा नहीं देना है। और यहाँ पे हमारी भारत माता हैं, यहाँ पे अहिल्या बाई होलकर माता हैं और यहाँ पे हमारा एक और मंदिर है। इस मंदिर के नाम लिखा है श्री चंद्रगुप्त महादेव लिखा है। चंद्रगुप्त देखते हैं, सॉरी देखता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। कुछ लिखा गया है यहाँ पे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से सामने से आएंगे और सामने से अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक लॉकर है और ये लॉकर जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जाने में ऊपर डर रहे हैं। ऐश्वर्य भाई यू हैव मिस कॉल्ड, एक ऐश्वर्य भाई हैं वो मुझे कॉल किए हैं, उनको बाद में कॉल करूँगा। और अभी तो देख सकते हैं आप, हेलो मित्रों। तो जस्ट मेरे पीछे गेटवे ऑफ कॉरिडोर है और यहाँ पे जस्ट बगल में हमारे मणिकर्णिका घाट जो ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर बैक साइड में, आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ ठीक सामने मेरे गंगा माँ हैं, आप देख सकते हैं पूरा व्यू 360 डिग्री पे देख लीजिए आप कैसा
कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। आइए चलते हैं आगे की तरफ और आगे का व्यू आपको दिखाएंगे अभी। ये देख सकते हैं आप, ये मणिकर्णिका घाट है और ये नीचे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखकर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नीचे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी इसका काम कंप्लीट हुआ नहीं है मित्रों। यहाँ अभी गंदगी बहुत काफ़ी है क्योंकि अभी यहाँ से गंदा पानी जो है कि रिलीज हो रहा है। ये देखिए किनारे किनारे दुकानें हैं जहाँ पे भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्रसाद के रूप में हमारे लिए यहाँ पे कंठी माला और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान भोले बाबा की प्रसाद है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपने घर में ले जा सकते हैं एक प्रसाद के रूप में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी ठीक सुमेध घाट पर ही खड़ा हूँ और लोग जो है कि नीचे जा रहे हैं और लौट भी रहे हैं। और ये जाता है आपका दशाश्वमेध घाट की तरफ। हेलो मित्रों, तो जैसा कि मैं अभी देख सकते हैं अभी मैं खड़ा हूँ श्री बहरवी घाट पे खड़ा हूँ। और यहाँ का एक गंदा वर्क ये है कि यहाँ पे लोग जो है कि टॉयलेट करते हैं जस्ट इधर साइड में, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे लिए और समाज के लिए। एक धार्मिक प्लेस होते हुए भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर टॉयलेट ना करिए, खुला हुआ प्लेस है, फिर भी लोग करते हैं, क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती तो गवर्नमेंट की है कि यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आगे पीछे, फिर भी लोग जो है कि खुले में ही शौच करते हैं, तो बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको भी फ्रंट से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। रुकिए, ये देख रहे हैं यहीं पे सब जो है कि टॉयलेट करने में लगा हुआ है, ब्रह्मक्ता है यहाँ पे श्री भैरवी घाट के ठीक सामने। गवर्नमेंट अगर मेरी वीडियो देखे तो उसे सीख ले, इसे तुरंत बनवाए। हेलो मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई, गंगा जी जो गंगा जी से कूड़ा करकट निकलता है ये सारे कूड़े और ककड़े रखे गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग जो है कि नहा रहे हैं। और मैं आपको ये मीर घाट का व्यू दिखा रहा हूँ, ये मीर घाट का ठीक सामने का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए गए हैं जो कि अच्छी बात है। और इसके ठीक ऊपर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोग जो है कि दर्शन करने के बाद, और मेरे ठीक सामने आपका जो है कि गेटवे ऑफ कॉरिडोर है, तो अभी उधर जाऊंगा मैं। पहले आप इधर का व्यू देख लें कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ से गेटवे ऑफ कॉरिडोर ज़्यादा दूर नहीं है, और गेटवे ऑफ कॉरिडोर बन जाने के बाद जो है कि लोगों की जो भीड़ है वो बहुत काफ़ी बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि टूरिज्म बढ़ गया है, लोग अब अच्छा खासा आने लगे हैं। पीछे देखिए यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जो है कि अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक भाई जो है कि अपना सामान बेच रहे हैं। तो टूरिज्म बढ़ा तो भाई लोग अब आएंगे, अब जब लोग आएंगे तो चीज़ों को खरीदेंगे यहाँ पर आने के बाद। ये एक बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ने से लोग जो है कि आ रहे हैं। और ये गेटवे ऑफ कॉरिडोर बनने से, काशी विश्वनाथ मंदिर के बनने के बाद जो है कि लोगों की भीड़ काफ़ी अधिक बढ़ गई है, तो ये बहुत खुशी की बात है। देखिए मेरे इधर साइड में देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर लोग जो है कि किस प्रकार से आ रहे हैं। भाई कुछ भी कह लीजिए, बनारस बनारस है, बनारस की सुंदरता जो है कि पूरी दुनिया में फेमस है। और यहाँ के जो घाटे हैं ना गंगा जी के सामने बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे लोग दुनिया के हर एक कोने से आते हैं, जो यहाँ के घाटे हैं ना बहुत खूबसूरत हैं।
यहाँ आप शाम को आइए, एनी टाइम आइए, यहाँ पे आपको एक अलग ही रौनक, एक अलग ही सुकून मिलती है। देखिए यहाँ पे लोग घाटों के किनारे बैठ के स्नान कर रहे हैं, और गेटवे ऑफ कॉरिडोर बन जाने के बाद जो है कि लोग लगातार इधर साइड से आ रहे हैं और प्रभु घाट की तरफ जा रहे हैं, सॉरी ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। आइए चलते हैं आए की तरफ, आए का व्यू दिखाते हैं आपको। जिस दिन महाशिवरात्रि था उस दिन बहुत सारे जगहों से हमारे संत महाजन लोग जो है कि बहुत दूर दूर से आए हैं, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा किया बना कर जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर डस्टबिन बन जाने के बाद यहाँ पर लोग जो है कि डस्टबिन का भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।